हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिंगल पेज पर दो अलग अलग टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही पेज पर दो अलग अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहां से सिंगल रो और दो कॉलम यानी टू कॉलम की एक टेबल जो है वो सेलेक्ट करिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सिंगल रो और दो कॉलम की यानी टू कॉलम की एक टेबल ये बन गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो प्लस साइन दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो आपकी टेबल देखिए यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी। आप टेबल के बीच में अपना कर्सर ले जा करके हमको यहां पर राइट क्लिक करना है तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर टेबल प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शन मिलता है, ध्यान रखिएगा टेबल के बीच में कहीं ले जा करके राइट क्लिक करेंगे तो ही ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि मैंने बोला कि टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नीचे आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि टेबल प्रॉपर्टीज का ही छोटा सा विंडो यहां पर ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से नन पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे बॉर्डर ऊपर ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, यहाँ से नन वाला जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि कोई बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ नीचे से दोबारा से ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जो टेबल यहाँ पर थी उस पर कोई भी बॉर्डर अब यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि टेबल हट गई, टेबल यहीं पर है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टेबल आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी, बस बॉर्डर सारे हट गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले वाले सेल में हमें क्लिक करना है तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है वापस से इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जाइए टेबल में। अब जितने मर्जी रो और कॉलम की टेबल आपको बनानी हो बस सिंपल वो सेलेक्ट कर लीजिए यहां से। ये देखिए, मान लीजिए कि हमें इतने रो और कॉलम की टेबल बनानी, तो हमने यहां पे आप देखेंगे कि हमने यहां तक सेलेक्ट कर लिया और क्लिक करते ही इधर की टेबल बन गई। उसी तरीके से जैसा कि आपको याद होगा कि दो कॉलम थे तो यार ये पहले वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया था, अब यहां दूसरे वाले कॉलम पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, दूसरे वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया और वापस से गए इंसर्ट टैब में और यहां से वापस से गए टेबल में। अब उसी तरीके से हमने फिर से जितनी भी रो और कॉलम हमें चाहिए उतने हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, बस इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक पेज पे आपकी दो अलग अलग टेबल जो है वो बन गई।